पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम क्या है? मात्राएं। तो बच्चों इसको जल्दी से अपनी नोटबुक में या पुस्तक में लिखना शुरू कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स ये क्या है? नीचे दिए गए व्यंजन वर्ण को उनकी मात्रा युक्त व्यंजन वर्ण से मिलान कीजिए। नीचे दिए गए व्यंजन वर्ण को उनकी मात्रा युक्त व्यंजन वर्ण से मिलान कीजिए। ग, यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों? ग। तो इसका मात्रा युक्त व्यंजन कौन सा है? गी। क्या है? गी। च, ची। क्या है? च, ची। ज, जे। ज, जे। द, द। क्या है ये? द, द। फ, फो। फ, फो। तो बच्चों क्या है ये? ग, जी। ग, जी। च, ची। च, ची। ज, जे। ज, जे। जोड़ी मिला करके दी है। क्या मिलाई है इनकी? जोड़ी मिलाई है। तो बच्चों आप भी जल्दी से इसको लिख लीजिए।
आपने अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा। स्टूडेंट्स ये क्या मैंने लिखा है, निम्नलिखित वर्णों के व्यंजन एवं स्वर रूपों को अलग करके रिक्त स्थानों में लिखिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ वर्ण दिए गए हैं तो इन वर्णों के व्यंजन एवं स्वर रूपों को अलग करके क्या लिखना है, खाली जगह में लिखना है। जैसे ग तो इसमें ग और अ, क्योंकि ग के साथ क्या कौन सा शब्द जुड़ा रहता है, कौन सा वर्ण जुड़ा रहता है, अ। गी, ग और ई, इसमें छोटी की मात्रा जुड़ी है। क्या जुड़ी है बच्चों, इसमें छोटी की मात्रा जुड़ी है। अब है ग, ग और इसमें अ, ये जो अ की मात्रा ये कहाँ आ गई है, यहाँ पर आ गई है। अब है ग, ग ग में छोटे की मात्रा, तो ग और ये छोटे की मात्रा। अब है ग, ग और ग जब हम इसको अलग करेंगे तो ये क्या लग जाएगी, यहाँ पर बड़ी की, क्या है ये, बड़ी की, क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चों, बड़ी की मात्रा है। अगर ड, ग, ग में ए की मात्रा, जब हम इसको अलग करेंगे तो ग और ए की मात्रा। अगर च,
ग का में बड़ू की मात्रा है तो ग, और यहां पर जब हम इसको अलग करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, जब हम स्वर को व्यंजन से अलग करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये बड़ा उ, क्या बन जाएगा, बड़ा उ, क्योंकि हम व्यंजन से स्वर को अलग कर रहे हैं। तो बच्चों आप जल्दी से इसको लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये आपने अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा। अब एक बार मैं फिर से इसको आपको समझा देती हूँ। निम्नलिखित वर्णों के व्यंजन एवं स्वर रूपों को अलग करके रिक्त स्थान में लिखिए। आपको क्या करना था, यहाँ पर जो व्यंजन है उससे स्वर को अलग करना था। जैसे ग से हमने अ को अलग किया है, इसी तरह से ग से हमने किस चीज को अलग किया है, ई को। ये कौन सी ई है यहाँ पर हमने लिखी है, छोटी ई लिखी है। कौन सी ई लिखी है, छोटी ई लिखी है। इसी तरह से ख में ग में जो अ की मात्रा है यहाँ पर हमने अ को अलग कर दिया, आ स्वर को अलग कर दिया। अब इसी तरह से ग ग में कौन से की मात्रा है, छोटे उ की मात्रा है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, छोटे उ की मात्रा। अब है ख में ग ग में कौन सी की मात्रा है, बड़ी ई की। कौन सी की मात्रा है, बड़ी ई की। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है बच्चों, बड़ी ई की मात्रा। अब है ड, ड में ग ग में एक की मात्रा, यहाँ पर जब हम इसको अलग करेंगे तो ग और क्या लगा देंगे, ए, क्या लगा देंगे हम इसमें, ए, क्योंकि हमने इसको व्यंजन से अलग किया है। अब है च, ग ग में बड़ा
की मात्रा, यहां पे कौन से उ की मात्रा लिखी है मैंने, बड़े उ की मात्रा है, यहां पर मैंने क्या लगाया है, बड़ा उ, क्या लिखा है मैंने यहां पर, बड़ा उ, क्योंकि ये कौन सी उ की मात्रा है, बड़े उ की मात्रा है। तो बच्चों आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।